बड़ी खबर। गढ़ी मलहरा में हटाया गया अतिक्रमण। शासन ने फेरा बुलडोजर। नगर परिषद गढ़ी मलहरा में अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें मकान धराशायी किए गए। राजस्व विभाग के SDM विनय कुमार द्विवेदी, महाराजपुर तहसीलदार सुनील वर्मा, नगर पालिका CMO शिवी उपाध्याय, गढ़ी मलहरा थाना प्रभारी संदीप दीक्षित और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और नगर गढ़ी मलहरा को अतिक्रमण मुक्त किया गया। प्रशासक ने शासकीय भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। बुंदेली न्यूज। क्या हो गया आपके यहाँ पर? अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, क्या पूरी कार्रवाई है, क्या किस प्रकार के आपके दस्तावेज हैं? दस्तावेज हमारे 1908 से लेके हैं। ये जमीन जैसी जैसी बिक रही है ना, 1908 में ये नंदी बोरी को नगर सभा गढ़ी मलहरा छतरपुर स्टेट ने दे दी 25 रुपए नजराने पे मकान बनाने के लिए। नंदी बोरी ने ये जगह बेची यूसुफ अली डॉक्टर को। मैंने जो नंदी बोरी की, मैंने जो नगर सभा से 60x60 फुट लंबी चौड़ी जमीन ली थी, वह यूसुफ अली को आज बेच दी है और साथ में ये नगर सभा की रसीद भी दे दी है। यूसुफ अली ने ये बाद में जमीन बेची 24/12/1955 को, महादेव तना बिंदु चौरसिया को, 24/12/1955 को, जब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता प्रभाव में भी नहीं आई थी। इसके बाद 1956 में हमारे दादाजी ने ये दर्ज करवा के 13/3/1956 को इसमें मीटिंग या प्रेसिडेंट की आज्ञा से मकान बनाने की परमिशन ले ली थी। तो हमारे यहाँ कच्चा टपरा बना हुआ था, फिर हमने आगे चल के इस पर पक्का भवन निर्माण किया। ये हमारे दादाजी का 1999 का प्रमाण पत्र है। ये हमारे पिताजी का 2002 का प्रमाण पत्र है। ये नगर पालिका का 1918, ये 2018 का प्रमाण पत्र है। ये नगर पालिका की सेटिस्फाइड कॉपी 1984 के रजिस्टर की सत्यापन की। आप क्या मानते हैं इसे? प्रशासन की तानाशाही पूर्ण रवैया मानते हैं? तानाशाही है तहसीलदार महोदय का, एकदम अपना पर्सनल जो भी कह लो, अतिक्रमण कुछ नहीं है। 112 साल पुरानी जमीन है। क्या आपसे कोई पैसों की भी मांग की गई थी इस प्रकार से, किसी प्रकार से? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा आरोप मैं नहीं लगा सकता किसी पे। लेकिन उनकी पर्सनली कुछ है हमसे। क्या आप व्यक्तिगत दोष मानते हैं? आप व्यक्तिगत दोष मानते हैं, हमें कोई टाइम नहीं भी दिया गया। तहसीलदार महोदय ने आदेश 23/12/2021 को पारित किया। वो आदेश हमें 28 तारीख को रात शाम के टाइम पे मिला। 20 तारीख तक उसमें खाली करने का टाइम था। आखिरी नोटिस हमें मिला 31 तारीख को रात को 9 बजे और उसमें था 1 तारीख को शाम को खाली करना है। हमें बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया गया हम आगे कुछ कार्रवाई कर सकते। इन्होंने उस पर जो आदेश पारित किया उसकी कॉपी भी उस पर डाली ना नेट पे, वो भी आधी अधूरी डाली, पूरी नहीं डाली कि आगे कुछ कर सके। क्या आपने अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया? क्या कहना है? करने का हमने प्रयास किया लेकिन वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं तुमको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने कहा फांसी पे चढ़ा दो, हमारी जिंदगी तो खत्म कर ही दी आपने। क्या मानते हैं आप यहाँ पर? धमकी दे रहे हैं हमें जेल में डालने की। आप यहाँ पर एक टपरा चलाते थे, उसमें क्या बेचते थे? इसमें हम अभी छोटी मोटी चाय नाश्ते की दुकान चला रहे थे, अपने घर का गुजारा कर रहे थे। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, माता जी हैं, चल फिर नहीं सकती है। आज क्या है आपके सामने? रोजी रोटी का संकट हो गया। रोजी रोटी का संकट है, हम तो रोड पे आ गए भूखे मरने की कगार पे। कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई राजनेता, ना कोई प्रशासन। प्रशासन अपनी तानाशाही कर रहा है। आपने आपने कहीं जनप्रतिनिधियों से बात की इस संबंध में? सब जनप्रतिनिधियों से बात की, सबसे कर ली हमने, कोई आज आगे नहीं आया। हमारे यहाँ पर तहसीलदार सुनील वर्मा जी के द्वारा अतिक्रमण का केस दर्ज कराया गया और उसमें आदेश किया गया, विधिवत उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद में ये मकान दुकान शासकीय भूमि बना था, इसको तोड़ा जा रहा है और इसके अलावा आगे भी और अतिक्रमण है, उसको भी तोड़ेंगे। सर उनके द्वारा कागज भी प्रस्तुत किए गए थे, क्या कागज प्रस्तुत किए गए थे, क्या पूरा मामला था? ये अतिक्रमण में जो जो दस्तावेज दिए गए थे वो अमान्य थे, इसलिए अतिक्रमण के बना के उनको जुर्माना भी किया गया, उनको हटाने का नोटिस दिया गया, समय अवधि में नहीं हटाया। पूरे हमले में भारी पुलिस, नगर पालिका, CMO, तहसीलदार, SDOP के साथ मिलकर यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और लगातार आरोप लगाए हैं कि ये गलत आरोप है और लगातार तोड़ा जाएगा। जो जो अतिक्रमण किए सबसे तोड़े जाएंगे।